There is a bridge is required for this Kumbh Mela. Passage, this tourist. Horsal. 20 lakhs to 30 lakhs people used to go to that. Cross the river. So I requested for that also. And we have requested to increase the Digha Road. Then Barasat to Bonga, the road. अगर वो एलिवेटेड रोड होगा तो अच्छा होगा फ्लाईओवर नहीं तो हमारा जो जनता ने है उधर में लाखों लाखों जनता करीब बैठते हैं रास्ता में उसको एविक्शन हम नहीं करने चाहती हूँ कि उसको जिंदगी खतरा में चला जाएगा इसी के लिए अगर जनता भी रहे और हम एलिवेटेड रोड भी बनाए फ्लाईओवर भी बनाए तो इंडो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा होगा कि हमारा बोनगा पेट्रोपोल भी इफेक्टिव हो जाएगा हमारा बिजनेस का दृष्टिकोण से भी बढ़िया होगा इसी के लिए हमारा बीरभूम में नौलाटी से मुरारोई तक हमारा सेवक से रंगपो तक सिलीगुड़ी से सेवक तक ऐसे बहुत सारे चीज़ था और मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा उधर में एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर हो सकता है तो अच्छा है जिसमें इलेक्ट्रिक बस तैयार हो सकता है इलेक्ट्रिक ऑटो तैयार हो सकता है इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार हो सकता है इसका बारे में भी चर्चा हुआ तो एक दिक में ट्रांसपोर्ट का बारे में और एक दिक जो रोड के बारे में रोड कनेक्टिविटी के बारे में कि हमारा स्टेट ऐसा है कि हमारा स्टेट का बॉर्डर है बांग्लादेश नेपाल भूटान और नॉर्थ ईस्टर्न का भी बॉर्डर है गेटवे है तो इसी के लिए अगर थोड़े से ज़्यादा रोड हमारा उधर में अभी जो यास आया फोनी आया बुलबुल आया बहुत सारे रोड हमारा खराब भी हो गया है उसको अच्छा से तैयार करना कोई कोई जगह पे तो थ्री टायर जो सिस्टम होता है कि नीचा में मेट्रो चलते हैं तो ऊपर में बस चलते हैं ऐसा बहुत सारे सिस्टम तो अभी निकाला ये सिस्टम के लिए नितिन जी ये भी बोला ठीक है हम मीटिंग करते हैं अब यू ऑल्सो सेंड योर चीफ सेक्रेटरी एंड आवर डीजी विल बी देयर आई विल बी देयर योर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सेक्रेटरी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी विल बी देयर वी कैन डिसाइड दैट हाउ वी कैन गो अहेड एक मीटिंग का बंदोबस्त भी किया है मैम मेरा चीफ सेक्रेटरी आज दिल्ली आ रहा है उसका कोई मीटिंग है कल तो एज पर कन्वीनियंट ऑफ नितिन गडकरी जी आई विल सेंड माई सेक्रेटरी टू मीट हिम फॉर द फ्यूचर दिस प्रोजेक्ट्स एंड आई सेड दैट फॉर कलकत्ता ऑल्सो गिव सम फ्लाईओवर बिकॉज कलकत्ता इज वेरी यू नो पॉपुलेशन इज वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई मेट्रो इज कमिंग बट इट विल टेक अनदर वन ईयर सो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसेंजर को जो पब्लिक को हम हेल्प कर सकते हैं इसी के लिए ये सब चर्चा हुआ है एंड ही ऑल्सो along with Minister Nitin Gadkari ji, all officers were also present. DG Traffic, DG I think the roads and others. Main officers they were also present there. My residential commissioner also present there. It was a very fruitful and good meeting. Let us hope for the better. Thank you. अरे भाई ये सब छोड़ो ये सब हमको क्यों पूछ रहा है हम जाके उसको पूछो दीदी एनएच 34 में कोनो कथा है दीदी एनएच 34 में कोनो कथा है দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য আমরা শুনছিলাম সরাসরি নীতিন গাডকারি সড়ক পরিবহন মন্ত্রী তার সঙ্গে তিনি বৈঠক করলেন এবং সেই বৈঠকে একাধিক রাস্তায় সম্প্রসারণের কথা হয়েছে এবং বৈঠকে যে আলোচনা হয়েছে তা যথেষ্ট ফলপ্রসূ বলেই তিনি জানাচ্ছেন এবং অবশ্যই আশা করছেন যে শিগগিরই যে সমস্ত আরজি তিনি করেছেন সেই আরজি খুব দ্রুত রাখা হবে সেই বিষয়টায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছিলেন নীতিন গাডকারি জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় একটি দলও পাঠানো হবে রাজ্যের কোথায় কোথায় এই সড়ক পরিবহনে আরও বেশি উন্নয়ন দরকার সেই বিষয়গুলো তারা খতিয়ে দেখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ চতুর্থ দিন তিনি আজ নীতিন গাডকারির সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই দেখা করে বের হলেন এবং তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় সড়ক পরিবহনে উন্নয়ন প্রয়োজন রয়েছে রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে যাবতীয় বক্তব্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আবেদন হিসেবে রেখেছেন নীতিন গাডকারির সামনে এবং সেগুলো ঠিক করার বিষয় বা সেগুলো সম্পর্কে আশ্বাস পেয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বের হলেন এবং সেই বিষয়টাই সাংবাদিকদের জানাচ্ছিলেন